इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स, अगर आपके पास है वन प्लस का मोबाइल, उसमें आपको एक सेटिंग्स मिल रहा है रीसेट एडवर्टाइजिंग आईडी का। जैसे ये सेटिंग्स क्या होता है और आप अपने एडवर्टाइजिंग आईडी को रीसेट कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, पास वाले नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर जरूर क्लिक करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये सेटिंग्स आपको कैसे और कहाँ पर मिलता है, चलिए मैं सबसे पहले बता दूँ। सो इसके लिए दोस्तों आपको जाना होगा अपने वन प्लस फोन की सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाकर नीचे आएंगे तो नीचे एक मिलेगा प्राइवेसी का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। इसमें ऊपर प्राइवेसी पर क्लिक करेंगे तो प्राइवेसी में नीचे आएंगे तो आपको एडवांसेड सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। इसमें एड्स का ऑप्शन मिलता है, एड्स पर क्लिक करेंगे। पर्सनल पर क्लिक करेंगे तो ये रीसेट एडवर्टाइजिंग आईडी का ऑप्शन मिल जाता है। देखिए ये सेटिंग्स क्या होता है। इसमें दोस्तों एडवर्टाइजिंग आईडी को रीसेट करने के लिए कहा जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले एडवर्टाइजिंग आईडी का मतलब क्या होता है। एडवर्टाइजिंग आईडी का मतलब ये होता है कि आपके फोन में एडवर्टाइज का एक दोस्तों आईडी होता है, जिसके जरिए गूगल जो है आपके फोन में एड्स को दोस्तों चलाता है। तो दोस्तों एडवर्टाइजिंग आईडी के जरिए गूगल आपके डेटा को दोस्तों सेव करता है कि आपका इंटरेस्ट किन चीज़ों में है या फिर आप किन चीज़ों को फॉलो करते हैं। जैसे अगर आप किसी चीज़ की वीडियो देख रहे हैं या कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं तो गूगल को दोस्तों ये डेटा एडवर्टाइजिंग आईडी के जरिए मिल जाता है कि दोस्तों इस बंदे का इंटरेस्ट इन चीज़ों में है या ये जो है इस चीज़ को सर्च कर रहा है। तो दोस्तों आपके दोस्तों सेव किए गए डेटा के अनुसार ही आपके फ़ोन में वो दोस्तों एड्स को दिखाता है। जैसा कि कभी कभी आप देखते होंगे कि आप जो चीज़ें सर्च करते हैं उसका ही एड्स आपके फ़ोन में आता है। तो दोस्तों ये दोस्तों तभी होता है जब आपका एडवर्टाइजिंग आईडी दोस्तों बिल्कुल सक्रिय होता है। तो दोस्तों गूगल इसके थ्रू आपके इंटरेस्ट और आपके और आपके सुझाव को समझ जाता है, फिर उसी के अनुसार एड्स चलाता है। तो इसमें देखिए अगर आप इस एडवर्टाइजिंग आईडी को रीसेट कर देंगे तो जितना भी डेटा अभी दोस्तों गूगल के पास सेव हुआ तो वो सारा दोस्तों डिलीट हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा। और फिर वो ये दोस्तों नहीं समझ पाएगा कि अब हम इसके फ़ोन में किस तरीके का एड्स दोस्तों चलाएं, क्योंकि दोस्तों पहले से जो भी डेटा उसके फ़ोन में सेव था वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। तो एडवर्टाइजिंग आईडी रीसेट करने के लिए यहाँ रीसेट एडवर्टाइजिंग आईडी पर क्लिक करिए, कन्फर्म पर क्लिक करिए तो आपका एडवर्टाइजिंग आईडी रीसेट हो जाएगा और जितना भी पहले से डेटा होगा तो वो सारा डिलीट हो जाएगा और उसके बाद जो है पहले का डेटा खत्म हो जाएगा। इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।